सागर की इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा के साथ हुए हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को दर्ज कराए बयान में उसने अमित कुमार नाम के युवक पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। अमित कुमार छात्रा को आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। बहेरिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 506, 509, आईटी और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। यह पूरा मामला 12 फरवरी का है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर की छात्रा छात्रावास में थी और अचानक आधी रात में उसके छत से नीचे गिरने की खबर मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तत्काल ही उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थाना प्रभारी मंगल सिंह राठौड़ ने बताया कि घटना 12 फरवरी को इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी, जिसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। बयान में अमित कुमार नाम के युवक का मोबाइल नंबर दिया है। सोशल साइट पर उसका कोई आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की बात सामने आई है। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। पुलिस को फेक आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने का शक है। छात्र का मोबाइल जांच के लिए साइबर सेल भोपाल भेजा गया है, जिससे बातचीत और वीडियो की जानकारी मिल सकेगी। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, दिल्ली रोड, सागर।